भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 21वां सम्मेलन रविवार को जंगीपुर में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन राजकुमार राम ने किया तथा झंडोत्तोलन बैजनाथ प्रसाद ने किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शैलेंद्र कुमार ने कहा, पार्टी का 21वां अंचल सम्मेलन जो प्रारंभ है, अभी सत्र चल रहा है। सत्र में यह है कि जो सरकार के जन विरोधी नीति, हमने एक साल में क्या होया या सम्मेलन को तय करना है कि जन सवालों को लेकर के हम लोगों ने कितना आंदोलन किया, आंदोलन पर क्या क्या हुआ और उसमें आने वाला टाइम में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। यानी जो जन सवाल है, सरकार के जो जन विरोधी नीति है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आपको नोटबंदी से लेकर के आज तक गरीब आदमी के जेब कटने में भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। अभी नोट बंद करके इन्होंने हिंदुस्तान के आवाम को परेशान किया, इसके बाद आपको डिजिटल ला दिया, इसके बाद आपको कैशलेस ला दिया, अभी जीएसटी ला करके सारे लोग के परेशान किया है। यानी सारा के सारा लोग परेशानी में है। यह सरकार कारपोरेट प्रस्त है, यानी कारपोरेट के समर्थक है और आम लोग के जेबा काटने में तुली हुई है। अभी बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने, जो सरकार ने लगाया कि 1,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में बैलेंस रखना है, 3,000 रुपया अर्ध शहरी क्षेत्र में और 5,000 रुपया शहरी क्षेत्र में, उसमें गरीब आदमी का जेबा ज्यादा कट रहा है। 1,000 से नीचे यदि हो रहा है तो उसमें जुर्माना लग रहा है। एटीएम से यदि आप 3 बार निकालते हैं तो उसमें से आपको 168 रुपया काट लेता है, वह आपको जुर्माना लगा रहा है। बहुत लोग आज तक जानते भी नहीं है कि सरकार कर क्या रही है, उसका लोग भी भ्रष्टाचार के जहां तक सवाल है, सारा के सारा लोग भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। कोई काम बिना पैसे के होने जाने को नहीं है। यही यह सम्मेलन का है कि आने वाला टाइम में यह बिजली पानी यह सारा चीज के सवाल पर आंदोलन के रूपरेखा तैयार करेगी और आंदोलन में कूदेगी। इस मौके पर मोतीराम, मूर्ति कुमार, विद्या उराव, खलील खान, विपिन मोती, रामेश्वर सिंह, सुक्कू राम, रामकृपाल सहित कई लोग उपस्थित थे। आप लोग ने सुना, आप लोग टीवी देखते हैं, देखे होंगे कि आपका जो आपका संसदीय क्षेत्र का सांसद